नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों सबसे पहले समझिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या कह रहा है, यह मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो हम लोगों को रिलेशन बताता है किसके बीच में, एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल के बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये दोस्तों हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लीकेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे देखिए, ये समझिए यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक सामने साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब देखिए जिस एंगल का बात करें, मान लीजिए यहाँ पे ए एंगल का बात करें तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये हो गया बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। यहां से एच का वैल्यू निकालेंगे, एच इक्वल टू हो जाएगा रूट, यहां से स्क्वायर हटेगा तगड़ा पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यह हाइपोटेनस का फॉर्मूला हो जाए, हम लोग हाइपोटेनस का निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। परपेंडिकुलर का निकालें तो ये हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया जब परपेंडिकुलर कहेगा निकालने के लिए। और थर्ड जब कहेगा बेस निकालने के लिए तो बेस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अरे दोस्तों इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए यहां पे लिखेंगे, यहां पे देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देयर आर सिक्स ट्रिग्नो मैट्रिक रेशियो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे ये एंगल है थीटा के द्वारा यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, साइन और यहाँ पे थीटा। थीटा क्या होता है दोस्तों, एंगल होता है। ये चेंज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन अल्फा भी हो सकता है, साइन बीटा भी हो सकता है, साइन गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। थर्ड फॉर्मूला होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस एक थीटा, तो कॉस एक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो एच अपॉन में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर देखिए कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक हो जाएगा एच अपॉन में बी हो जाएगा। एंड सिक्स होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए इसमें मेन जो मेन बात है ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है तो 90 के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जिस एंगल का बात हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक का भी बात हो रहा है ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यदि इसका बात करते हैं, सी का यदि बात करेंगे तो इसके ठीक सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, चेंज होता है एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। इससे आगे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन हम लोग को मिल गया क्या, देखिए इसको हम लोग क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वन, ये रिलेशन हो गया यहाँ पे। फिर यहां समझिए कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा।
तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, देखिए कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो आप कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन में सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन में कॉस थीटा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन, ये सेकेंड रिलेशन हो गया। कॉस और सेक का प्रोडक्ट क्या होता है, वन होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बताइए कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन, ये इसका रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों समझिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए थ्री आइडेंटिटीज होता है, लिखेंगे यहाँ पे देयर आर थ्री आइडेंटिटीज, थ्री आइडेंटिटीज। देखिए पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ध्यान रखना है कि एंगल यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, उसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, वन। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन हो जाएगा, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिलेशन, नेक्स्ट आइडेंटिटी होता है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और थर्ड होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। ये तीनों आइडेंटिटी दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है, और ये जो ऊपर जो फॉर्मुलेशन है सब याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों देखते हैं कि एग्जाम में किस किस तरह क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। देखिए इससे आगे देखिए सर, पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू हम लोग को दिया 8/17 दिया गया है, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। क्या कह रहा है कि एंगल ए के लिए कह रहा है हम लोगों को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह रहा है फाइंड करने के लिए साइन ए को छोड़ के। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन देखिए साइन ए इक्वल टू हम लोग दिया 8/17 दिया गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे साइन के साथ ये ए है, ए क्या है, एंगल है। यहाँ पर बगल में हम फॉर्मूला लिख लेंगे, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो ठीक साइन ए का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन ए है, इस ए को हम लोग क्या करेंगे, एक्यूट एंगल पे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 90 डिग्री है, ए को आप यहां लिखिएगा या फिर ए को आप यहां लिखिएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो एंगल यहां पे दिया रहे उसको एक्यूट एंगल पे लिखे, एक्यूट एंगल ये 90 है, ये और ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। आप ए को यहां भी और यहां भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, इस दोनों जगह पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को तीनों वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे पी है और एच है, पी और एच का वैल्यू तो पता है, तो बी हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे ए का बात कर रहा है, क्या कर रहा है, एंगल ए के लिए कर रहा है, यानी कि इसके लिए हम लोग को सारा वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक का निकालना है। देखिए इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बताया था जिस एंगल के बारे में बात होगा ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 8 है, और 90 के सामने हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना, 17 है। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए देखिए यहाँ पे बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताया कि बी इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। आप इसे लिख लीजिए बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर। तो b इक्वल टू एच का स्क्वायर मतलब h का वैल्यू कितना है, 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो p का वैल्यू है 8। आगे सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। देखिए b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, इसको हम माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। इसका रूट निकालने क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग निकालना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है साइन ए को छोड़ के। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे कॉस ए। देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, जिस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच ही हो जाएगा। तो बी देखिए बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना 15, और एच एच कितना, एच का वैल्यू कितना 17 है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड हम लोग निकालेंगे इसमें टेन ए का। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। देखिए यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, एट है। अब बेस कितना है, फिफ्टीन। ओके थर्ड देखिए, कॉसेक निकालेंगे। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या, देखिए कॉसेक का फॉर्मूला आप यहां भी देख सकते हैं। कॉसेक फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। एच अपॉन में पी, एच कितना है, एच का वैल्यू 17, अपॉन में पी का वैल्यू कितना है, देखिए पी का वैल्यू कितना है, 8 है। नेक्स्ट देखिए, सेक ए, सेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए सेक का फॉर्मूला हो जाए एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी। एच कितना है, एच है 17, अपॉन में बी, बी कितना है, बेस का वैल्यू कितना है, 15 आया है। फिफ्थ पार्ट देखिए, कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। आप यहां देख लीजिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। तो बेस इसका कितना है, 15, अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 8 है। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके दोस्तों बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।